उत्तर प्रदेश में विधायक तोड़ो अभियान भी जारी है। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और इसमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पोते रविशंकर सिंह भी शामिल हैं और आज तक ने उनसे बात की। रविशंकर सिंह पप्पू जो कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पोते हैं और आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, साथ साथ और जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है हम उनसे भी तारुफ कराएंगे, लेकिन आप बताइए कि आपने बीजेपी ज्वाइन किया, आप समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं, क्यों आए आप? जी ऐसा है कि हमारे परिवार के सदस्य हैं श्री नीरज शेखर जी, जो चंद्रशेखर जी के पुत्र हैं, उनका टिकट समाजवादी पार्टी ने काट दिया था, एक तो कारण ये था, और समाजवादी पार्टी छोड़कर नीरज शेखर जी भाजपा में चले गए। इस वजह से उसी समय हमने सपा का झंडा उतार दिया और मैं लगातार सपा से हट गया। दूसरा, योगी जी और मोदी जी से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं आज सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुआ। मनसा हमारी आज से 1.5 साल पहले जब नीरज शेखर जी ज्वाइन कर रहे थे तभी से हमारी थी, लेकिन जो आज जाके साकार हुई। लेकिन पूर्वांचल में तो इस बार बीजेपी को बहुत कड़े मुकाबले को झेलना पड़ रहा है, ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव, तमाम लोगों ने पूरी तरीके से पूर्वांचल पर अपनी ताकत झोंक रखी है, आपको लगता नहीं है कि इस बार सपा के लिए पूर्वांचल नाक की भी लड़ाई है और ज्यादा मजबूत भी है? ठीक है, ऐसा है कि ओम प्रकाश राजभर के आने से भाजपा पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो भाजपा में थे, भाजपा में आकर उन्होंने अपनी ताकत को मजबूत किया, मंत्री बने, पैसा कमाए और पैसा कमाकर जब उनको जाना था तो चले गए, आज फिर पैसा लेकर सपा अखिलेश जी के साथ चले गए हैं, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकते। हमारे साथ नरेंद्र भाटी हैं, पश्चिम के बड़े चेहरे, गुजर समाज से बड़ा नाम, स्वागत है आपका आज आज तक में। ये बताइए सर कि आपने आज ज्वाइन किया, क्या सोच का ज्वाइन किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी से आप बीजेपी में आए? देखिए, ये वक्त का तकाजा है, आज देश पूरा पिछले 2 वर्षों से महामारी से और बहुत सारी आपदाओं से जूझ रहा है, तो आज देश को ये जरूरत है कि सब विचारशील लोग इकट्ठा हों और इस देश को दिशा देने का काम करें। लेकिन समाजवादी पार्टी, क्योंकि पश्चिम में कहा जा रहा है इस वक्त कि पश्चिम में बीजेपी की ताकत वो नहीं रही, आपको लाने की कोशिश हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब ये तो 22 में चुनाव हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या ताकत रही क्या नहीं रही, ऐसा